तो ग्राफिकल मेथड को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। आई थिंक कि आप सभी ने क्लास 6th, 8th, 9th, 10th में कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी। इक्वेशंस इन द फॉर्म इस तरह से होती हैं, मैं अपनी आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उसमें आप देखिएगा इक्वेशंस होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 5, 5 या 6। इस तरह से मान लीजिए आपकी कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक। अब इस इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिनको यहां पर अगर रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 6 हो जाएगी, ठीक। अब मान लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें, तो y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कितनी, 2.5, ऐसे ही आएगी ना, 2.5 से भी थोड़ा कम, 15/3, 5/3 वाई की वैल्यू आएगी। तब इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और जब वाई की वैल्यू हम 5/3 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। सिमिलरली जब हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगे लाइक दिस। ये हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास यहां दिया हुआ है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 + 7x2, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इन x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से, कि जो हमारे पास जेड की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाए, जो जेड की वैल्यू है मैक्सिमम आ जाए। अब इस जेड को मैक्सिमम करने के लिए x1 और x2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वी हैव सम कंडीशंस। जैसे पहली क्या, कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 6, x1 की जो भी वैल्यू होगी वो 6 या 6 से कम होगी, ठीक, पहली बात। दूसरा, 2x1 + 3x2 < 19, जब 2x1 + 3x2 है उस दोनों की कंबाइंड वैल्यू हमारे पास 19 या उससे कम होगी, और x1 + x2 = 8, और x1 और प्लस x2 दोनों को मिलाएं तो वो 8 या उससे कम होना चाहिए, ठीक। लेकिन अब यहां पर बात फंसती है कि ये x1 x2 क्या है, z क्या है, ये 6, 19, 8, 2, 3, ये सब क्या चीजें, ये मैक्स क्यों लिखा है, एसटी क्यों लिखा है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक। तो जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्चुअली आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स में मतलब है कि आप कोई भी चीज सॉल्व करते हैं तो आप उसका कोई पर्पज होता है, यू हैव एनी पर्पज, या कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको अकाउंट फील्ड में या फाइनेंस फील्ड में आपको जॉब पानी है, ठीक, या आपको अपना कोई बिजनेस करना है। तो ऐसे ही जो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं तो उसमें भी हम जब उनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मोस्टली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बेनिफिट होता है तो हम उनको मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लॉस होता है तो हम उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक होगा मैक्सिमाइजेशन का और एक होगा मिनिमाइजेशन का, एक होगा मैक्सिमाइजेशन का और एक होगा मिनिमाइजेशन का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, ठीक है ना। ये जेड हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मैक्सिमाइजेशन के केस में भी होगा और मिनिमाइजेशन के केस में भी। जब हम मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे तो हम लिख देंगे मैक्स जेड, वी विल राइट मैक्स जेड
इक्वल टू और जो भी हमारा फंक्शन होगा हम वो लिख देंगे। सिमिलरली जब हम मिनिमाइजेशन का फंक्शन निकाल रहे होंगे वैल्यू, तो हम लिख रहे हैं मिन जेड इक्वल टू और हम फंक्शन लिख देंगे। तो ये कहलाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 + 7x2। तो इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। इसी तरह अगर हमारे कॉस्ट का होगा तो हम उसको मिनिमाइजेशन का लिखेंगे। ठीक, फिर अगली बात आती है कि जो हमने इक्वेशंस लिखे हैं, जैसे ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में है। अगर आपने 9th हाई स्कूल में पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि कुछ इक्वेशन पावर वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे x² + 3y² + z² इस तरह के फॉर्म में होते हैं। तो जो इस तरह के इक्वेशन होते हैं तो वो कहलाते हैं कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ड्रॉ करते हैं उनका ग्राफ, तो वो क्या होते हैं, कुछ टेढ़े बेढ़े या कर्व कर्व टाइप के बनते हैं। लेकिन जिसमें हमारे पास सिंगल पावर है तो हमारे उसमें एक लाइन की तरह बनते हैं, मतलब कि लाइन जा सकती है उसमें, लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ही बनेगी हमारे पास। ठीक, तो जो हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें हम लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। जो हमारे पास एलपी का ग्राफिकल मेथड है उसमें लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है दैट विल रिप्रेजेंट लीनियर अलजेब्रिक रिलेशनशिप। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास इसका रिलेशनशिप का, जो हमारे पास x1 x2 या xyz जो भी हैं। अब बात करते हैं डिसीजंस वेरिएबल्स की। तो ये डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स जो आपके x1 x2 x3, जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपके x1 x2 ये आपके क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये आपके हो गए डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक, इसके बाद हमारे पास होते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट। सब्जेक्टिव कांस्टेंट एक्चुअली हम अभी इसका एक फॉर्मुलेशन करते हैं, तो एक हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे और हम उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें ये चीजें और क्लियर होंगी। तो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट की। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा ST, यहाँ पर लिखा है ST, ये हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट है। सब्जेक्टिव कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कंपनी में या फर्म में रिसोर्सेज होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कंपनी में कुछ आपके पास लिमिटेशंस होती हैं रिसोर्सेज की। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल होगा जिनको मिला करके आपको कुछ बनाना होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर एक चॉकलेट बनानी है, तो चॉकलेट में मान लीजिए फ्लेवर पढ़ना है और शुगर पढ़नी है, दो चीज़ें पढ़नी है, तो लेकिन उसमें कितना कितना डालना है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी, आपको लॉस हो सकता है, तो वो एक लिमिट होती है। ठीक है ना, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होती जब हम उनको इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब इनमें से हम कुछ और चीज़ें भी बताते हैं। पहले अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका थोड़ा प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज सॉल्वेबल बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से मतलब यहाँ ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी एक पैराग्राफ में दी होगी, वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होगी, लेकिन आपको उसमें कन्वर्ट करना है किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। जैसे अब मैं कहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर कि एक पार्ले जी कंपनी है जिसमें से वो बिस्किट बनाती है, उसमें इतने ग्राम आटा यूज होता है, इतने ग्राम शुगर यूज होता है और इतने ग्राम फ्लेवर यूज होता है। ठीक, लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें इतने पर यूनिट के हिसाब से बेचना है, मतलब कि पार्ले जी को हमें इतने पर यूनिट के हिसाब से बेचना है, और जो उनकी जो शुगर की और व्हीट की और जो आपका फ्लोर वगैरह है इसकी जो कॉस्ट है हम कॉस्ट बता देंगे। इस तरह से हम पूरा एक आपको प्रॉब्लम दे देंगे। अब हम कहेंगे कि आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो हो गया कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज सॉल्वेबल बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगी या नहीं होगी।
ठीक, देन फॉर्मुलेट ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। जो पहले प्रॉब्लम पैराग्राफ फॉर्म में दी थी तो वो थी आपकी अनस्ट्रक्चर्ड, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला प्रॉब्लम। अब उसको जब आप मैथमेटिकल फॉर्म मॉडल में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशंस टाइप के या कुछ बन जाएंगे वो, ठीक है ना, कुछ फॉर्म बन जाएगा, एक आपको दिखने लगेगा कि हाँ अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब आप उसको सॉल्व करने लायक बना लेंगे देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे, वही जो आपके मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, फिर जो आएगा आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक, हाँ, वन थिंग मोर, जब मैं पीछे आपको फेजेस ऑफ मॉडल बता रहा था और मॉडलिंग वगैरह बता रहा था तो मैंने बताया था कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, कैसे हम सॉल्व करते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली डिपेंड करता है डिसीजन मेकर पर। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशंस रिसर्च इज अ डिसीजन मेकिंग टूल, ठीक है ना। हमने लास्ट में बताया था, पहले जब थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे थे, अगर आप पीछे की कोई चीज मिस करेंगे तो आगे की चीज समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, ये सारी चीजें डिसीजन वेरिएबल्स मैंने बताया, मैथमेटिकल सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए फॉर्म, जैसे कि X1, X2, X3, ये जितने भी आप लेंगे या XYZ जो भी लेंगे ये कहलाएंगे आपके डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे पास जो कुछ आइटम्स या कुछ सिंबल्स या एक्टिविटीज होंगी हम उनको मैथमेटिकल सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इन द फॉर एग्जाम्पल के तौर पर XYZ, अल्फा बीटा गामा, A1, A2, A3, X1, X2, X3, इस तरह से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमाइज या मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक। फिर कांस्टेंट, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स आपके वो होते हैं जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज या कांस्टेंट यूज किए जाते हैं आपके फंक्शंस और इक्वेशंस में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 5, 7, ये आपके 5 और 7 आपके यहाँ पैरामीटर हो गए, यहाँ 2, 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये सब आपके क्या है, पैरामीटर्स हैं। ये सब आपके पैरामीटर्स हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट एंड कॉन्स्टेंट यूज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। अ डिसीजन अमंग्स अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज रिक्वायर्ड। जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये आपके पास प्रॉब्लम है मैक्स जेड इक्वल टू 5x1 + 7x2, ठीक। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपकी x1 या x2 की एक ही वैल्यू आए, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि x1 या x2 की एक ही वैल्यू आए, यहाँ पर क्या होगा कि x1 और x2 की कई वैल्यूज होंगी, x1 और x2 की कई वैल्यूज होंगी, दैट आर कॉल्ड कोर्स ऑफ योर अल्टरनेटिव्स, आपके कई अल्टरनेटिव्स होंगे, एंड यू हैव टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग देम। आपको उनमें से सबसे अच्छे अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, कैसे, जो आपके फंक्शन को, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज जेड, उसको मैक्सिमाइज करें, ठीक है ना। द डिसीजन इज रिप्रेजेंटेड इन द मॉडल बाय डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक। ये आपके जो x1 x2 हैं वो आपके डिसीजन वेरिएबल्स कहलाएंगे। द प्रॉब्लम इनकंपासेस ए गोल एक्सप्रेस एज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट द डिसीजन मेकर वांट्स टू अचीव। अब जो डिसीजन मेकर अचीव करना चाहता है उसका क्या था, या तो मैक्सिमाइजेशन का या तो मिनिमाइजेशन का, ठीक। तो जो लास्ट टारगेट होता है आपका दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो लिमिटेशंस होती हैं, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आपको विद इन दीज बाउंड्री यू हैव टू वर्क, आपको इस लिमिट के अंदर ही काम करना है, ठीक। तो ये कहलाता है आपका, इसके लिए जो ग्राफिकल मेथड है इसमें कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है मैक्सिमाइजेशन का, ठीक।
हम उसको समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कंपनी के। मान लीजिए कि आप एक फर्म में हैं, यू आर वर्किंग ए फर्म, आप जो है वहां पर आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं। तो लेट अस सी, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम क्या है? बीवर क्रीक पॉटरी कंपनी, ये बीवर क्रीक पॉटरी एक कोई कंपनी है जो क्या करती है, हाउ मैनी बाउल्स एंड मग्स शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स गिवन लेबर एंड मटेरियल कॉन्स्टेंट। कह रहा है कि कितने बाउल और मग को हमें बेचना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, किसको, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। और हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई है वो कौन सी हैं कि हमारे पास लेबर और मटेरियल के कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, लेबर और मटेरियल के कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं कि उनका इस्तेमाल करके हम कितने बाउल और मग प्रोड्यूस करें, मतलब कि प्रोडक्शन करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब किया क्या है, प्रोडक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड यूनिट प्रॉफिट। अब उनको जो हमें पर यूनिट प्रॉफिट दिया है कि अगर एक बाउल और एक मग को बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, और एक बाउल को बनाने में लेबर कितना लगता है और मटेरियल कितना लगता है, एक मग में लेबर कितनी लगती है और मटेरियल कितना लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। पहला समझिएगा, जब बाउल बनाते हैं तो एक लेबर प्रति घंटे लगता है पर यूनिट, मतलब कि एक बाउल बनाने में 1 घंटा लगता है एक लेबर को, ठीक है ना। फिर उसमें मटेरियल कितना लगता है, 4 LB, LB मीन पाउंड, ठीक है ना, 4 पाउंड की क्ले, क्ले माने आपकी जो मिट्टी होती है वो लगती है, 4 पाउंड आपकी मिट्टी लगती है, ठीक। और जब उसको बेचते हैं हम एक बाउल को तो हमें $40 पर यूनिट का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली मग में क्या है कि आपको 2 घंटे पर यूनिट लग, लेबर जो है आपको 2 लेबर लगती है पर घंटे एक यूनिट उसको लिए, मग को बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो 3 पाउंड का क्ले है वो लगती है एक यूनिट को, मग को बनाने के लिए, ठीक। यहाँ पर 2 लेबर मग को बनाने में और 3 पाउंड मिट्टी, किसको, 1 घंटे में लेबर लगती है पर यूनिट के हिसाब से और यहाँ पर 3 पाउंड की मिट्टी लगती है। लेकिन जब मग को बेचते हैं तो हमारे पास एक यूनिट को बेचने में हमारे पास $50 का प्रॉफिट होता है। अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम शो हुआ है, देखिएगा, और डायग्राम में भी कुछ दिया हुआ है आपको, वो भी ध्यान देना है। जो मिट्टी यूज होगी पर डे, यहाँ पर देखिए पीछे जो मिट्टी यूज हो रही है बाउल में यूज हो रही है 4 पाउंड पर यूनिट और मग में यूज हो रही है 3 पाउंड पर यूनिट, लेकिन दोनों को मिला करके, जो दोनों को मिला करके है वो 120 पाउंड पर डे यूज हो सकती है। देखिए ये हो गया बाउल का, ये देखिए एक ये बंदा खड़ा है जो बाउल बना रहा है और यहां पर एक बंदा खड़ा है जो मग बना रहा है, ठीक। दोनों को मिला करके 120 पाउंड पर डे से ज्यादा हम मिट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों को मिला करके हम, यहाँ पर लिखना है क्ले 120 LB पर डे, ठीक है ना। तो दोनों को मिला करके हम 120 पाउंड से ज्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और घंटे कितने होंगे, लेबर 40 आवर्स पर डे, जो लेबर है वो पर डे 40 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकती, जो लेबर है वो 40 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगी, ठीक। उसमें कितने लेबर लगाने हैं वो आप अपना समझ लीजिए, लेकिन 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं हुआ। नीचे देखिए यहाँ पर मग का प्रॉफिट दिया हुआ है 50 पर यूनिट और बाउल का दिया हुआ है $40, ठीक। अब बात करते हैं हम इसको सॉल्व करने की, तो हमारे पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं। पहला रिसोर्स 40 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, हमारे पास है 40 घंटे लेबर के प्रतिदिन के, ठीक। हमारे पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास जो लेबर है वो 40 घंटे पर डे की है, ठीक। मिट्टी कितनी है, 120 पाउंड, हमारे पास जो क्ले है वो है हमारे पास 120 पाउंड, मतलब कि 120 पाउंड की। अब हम यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स मान लेते हैं,
पहले को मान लेते हैं, बाउल को हम मान लेते हैं हमारा पहला डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि इसी को बेच करके हमें प्रॉफिट निकालना है। हमारा डिसीजन क्या है कि हम बाउल को बेचेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट होगा और हम मग को बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। तो हमें चूंकि ऑब्जेक्टिव निकालना है तो हमारा बेच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, केस हमारा मैक्सिमाइजेशन का है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेचना है उसको हम डिसीजन वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमें उससे ऑब्जेक्टिव निकालना है। तो लेट एक्स वन इज द नंबर ऑफ बाउल्स टू प्रोड्यूस पर डे। मान लेते हैं कि एक्स वन नंबर ऑफ बाउल्स हम पर डे प्रोड्यूस करते हैं एंड एक्स टू नंबर ऑफ मग्स टू प्रोड्यूस पर डे, और हम मान लेते हैं कि एक्स टू हमारे पास जो मग के नंबर हैं वो पर डे प्रोड्यूस होते हैं। अब जब हमारे पास बाउल्स के नंबर आ गए एक्स वन और मग के नंबर आ गए हमारे पास एक्स टू, ठीक, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, तो जितना पर यूनिट प्रॉफिट होता था, हमारे पास पर यूनिट प्रॉफिट होता था, तो हम क्या करें कि हमारे पास नंबर्स पता हो गए, एक्स वन बाउल के नंबर है और एक्स टू मग के नंबर है, तो पर यूनिट में हमारे पास कितना होता था 40 का, तो हम उसमें अगर जो हमारे पास नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल पर डे का प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास मग का प्रॉफिट कितना है 40 और नंबर कितने हैं एक्स वन, तो एक्स वन नंबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए जैसे एक यूनिट में हमें 2 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 5 यूनिट में कितने का होगा, 5 × 2 10 का, तो ऐसे ही एक यूनिट में हमारा होता है 40 का, तो एक्स वन में कितना हो जाएगा 40 × x1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40x1। सिमिलरली इसी तरह से मग वाले में 50 का आपका पर डे का प्रॉफिट होता है एक यूनिट का, तो एक्स टू नंबर में कितना होगा 50 × x2, और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 40x1 प्लस 50x2, तो ये आपका हो गया पर डे का प्रॉफिट। यहां पर लिखा है जेड इज प्रॉफिट पर डे, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब लेकिन हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वी हैव सम रिस्ट्रिक्शंस और यू कैन से दैट वी हैव सम लिमिटेशंस और कॉन्स्टेंट्स, कि हमें इतने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए जो एक बाउल को और मग, लेबर कितना लगता है, लेबर वाला कॉन्स्टेंट देखिएगा 1x1, इसका लेबर का 1x1 प्लस मग का 2x2, 1x1 प्लस 2x2 लेबर, घंटे है ना मेरे पास, हमने x1 माना था किसका, बाउल का, तो 1x1 हो गया, मग का क्या माना था x2, तो 2x2 हो गया, ये हमारे पास इतने नंबर लग रहे हैं। लेकिन किससे ज्यादा, हमारे पास यहां पर देखिए फिगर में ये 40 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकते हैं, तो 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, मतलब कि हम 40 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो 1x1 प्लस 2x2 ये हमारा हो गया जो घंटे लग रहे हैं किसमें, बाउल में 1x1, जो घंटे लग रहे हैं हमारे मग में दैट इज 2x2, लेकिन दोनों को मिला करके मतलब 1x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40। अब जो मिट्टी लग रही है, जो क्ले दैट इज यूज्ड, तो वो कितना है 4x1 प्लस 3x2, अब यहीं से देखिएगा मतलब ये 4 पाउंड किसमें है, मग में, एक यूनिट में लग रही है 4 पाउंड, तो x1 यूनिट में 4x1, 4 × x1, ठीक, यहां पर एक घंटा इसमें लग रहा था पर यूनिट कितना इसमें, तो एक में 1 × x1। अब यहां पर देखिए दूसरे वाले में एक मग को बनाने में क्ले कितनी लग रही थी 3 पाउंड की, तो x2 बनाने में कितनी लगेगी 3 × x2, तो 3x2 हो गया, लेकिन जो टोटल क्ले है दैट विल नॉट बी यूज मोर देन 120 पाउंड, जो टोटल है वो 120 पाउंड से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 120 पाउंड का क्ले, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट टू
कॉन्स्टेंट। और यहां पर नीचे लिखा है एक्स वन इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमेशा आपका रहेगा किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये एक कंडीशन है, ये रहेगी। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन या नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट। मतलब कि x1 और x2 की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी ही होगी, नेगेटिव में नहीं जा सकती। अब अगर हम यहां पर कहें कि हमारे पास नेगेटिव आर्स लगे हैं, तो नेगेटिव आर्स क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है। जीरो आर्स तो बोल सकते हो कि भाई हमको उसमें कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन नेगेटिव आर्स नहीं होता था। ऐसा है, मिट्टी कहते हैं कि विदाउट मिट्टी, मिट्टी है ही नहीं है, बल्कि कि उसमें कुछ और लगा दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इज योर नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारे पास कंप्लीट, देखिएगा मैंने यहाँ पर यहाँ से चालू किया था फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज। अब इसको ये दो पेज का मैंने कितना 1, 2, 3, 4 लाइंस में इस पूरे को मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 40x1 + 50x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आर 1x1 + 2x2 <=40, 4x2 + 3x2 <=120 एंड x1, x2 > 0। तो ये जो पूरा हमारे पास प्रॉब्लम थी, जितनी हम इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं, उसका पूरा निचोड़ देखिए इतना कितना। अगर आप इसको पूरा एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो एक लाइन में पूरा ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारे पास थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थी, हमने उसको मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, नाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है ना, तो जो इसको सॉल्व करने के होते हैं, तो हमारे पास इसको कुछ सॉल्यूशन होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप अगर कुछ कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा सॉल्व ही हो जाए वो, उसमें क्या हो सकता है, सॉल्यूशन के भी कई तरीके हैं। कुछ फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ नॉन फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ बाउंडेड सॉल्यूशन होते हैं, कुछ अनबाउंडेड सॉल्यूशन होते हैं, इस तरह से होता है वो। ठीक, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है और कहीं कोई वायलेशन तो नहीं। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। ए फिजिबल सॉल्यूशन डज नॉट वायलेट एनी ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। कोई भी जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो किसी भी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वन मतलब कि जो आपके बाद में दो इक्वेशन बने थे, कौन से, ये यहाँ पर लिखे 1x1 + 2x2 <= 40 और 4x2 + 3x2 <= 120। तो अगर फिजिबल सॉल्यूशन होगा तो वो किसी भी कॉन्स्टेंट्स को वायलेट नहीं करेगा, मतलब कि उस वो कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने x1 = 5 और x2 = 10 ले लिया। ठीक, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 700। अब देखिए 5 और 10 रखिए पहले वाले कॉन्स्टेंट में, तो कितना आया 25, 25 इज लेस देन 40, बिल्कुल सही है। अब ये सेकंड वाले में रखिए तो आया है 70, 70 इज लेस देन 120, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ठीक, तो मतलब कि वो हमारे कॉन्स्टेंट को वायलेट नहीं करता। अगर वायलेट करेगा तो फिर उसके भी अलग तरीके होते हैं कि वो सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक, आगे आते हैं। एन इनफिजिबल सॉल्यूशन वायलेट्स एटलीस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टेंट। अगर इनफिजिबल सॉल्यूशन है, अगर इनफिजिबल सॉल्यूशन है तो कम से कम एक कॉन्स्टेंट को तो वायलेट करेगा ही करेगा, एक को तो करेगा ही करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिए हमने यहां पर देखा x1 = 10, x2 = 20। ठीक है ना, x1 = 10 एंड x2 = 20। अब अगर हम ये वैल्यू देखें तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1400, लेकिन जब हम यही चीज कॉन्स्टेंट में रखेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट में, तो हमारे पास आ रहा है 50, मतलब 1x1 + 2x2। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 50, तो 50 इज ग्रेटर देन 40। हमको लेबर कितना इस्तेमाल करना है, लेस देन 40 आवर्स, 40 और लेस देन 40, लेकिन यहाँ पर 50 विच इज ग्रेटर देन 40। तो ये हमारे पास इस सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वो कहलाएगा आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने की। ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहली बात एक चीज और ये होती है कि जो ग्राफिकल मेथड होता है उसमें केवल दो ही डिसीजन वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। जो ग्राफिकल मेथड होता है
उसमें केवल दो ही डिसीजन वेरिएबल इस्तेमाल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम केवल टू डायमेंशन ही बना सकते हैं। हम ग्राफ जो बनाएंगे हम टू डायमेंशन बनाते हैं, 3D बना सकते हो, लेकिन जब उसका 3D में पेपर में आप मीजर करेंगे तो मीजर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का एक ये ड्रॉबैक है कि हम केवल दो ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, तीन कर सकते हो लेकिन उसकी बहुत कठिनाई हो जाती है, डिफिकल्टी, ठीक है ना। और जो ग्राफिकल मेथड होता है हम उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि इसका लगभग लगभग क्या सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। अब जो ग्राफिकल मेथड होता है उसके दो क्लासिफायर, हम उसको दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन से? आइसोप्रॉफिट, जिसको बोलते हैं कॉस्ट लाइन मेथड। दूसरा होता है एक्सट्रीम पॉइंट इवेल्युएशन मेथड, ठीक। अब देखिए, हमने जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल हमने अभी बनाया था उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पेपर पर। तो हमने एक एक्सिस ले लिया एक्सिस, एक्स एक्सिस को ले लिया हमने X1 और वाई एक्सिस को लिया हमने X2। तो X1 हमारा क्या था? बाउल। तो हमने देखिए राइट साइड में ये बाउल ले लिया और अपर साइड में हमने ले लिया मग को, ठीक। अब हमारे पास जो पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है दैट इज 1x1 + 2x2 ≤ 40। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। पहले स्टेप फर्स्ट में क्या है? कन्वर्ट ईच इनइक्वालिटी एज इक्वेशन। कन्वर्ट ईच इनइक्वालिटी एज इक्वेशन, हमारे पास जितनी भी इनइक्वालिटी है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ, हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। फिर सेट द फिजिबल रीजन, हमारे पास जो फिजिबल रीजन है हम उसको डार्क कर देंगे या कलर कर देंगे या उसको हाईलाइट करेंगे। फिर उस फिजिबल रीजन में से जितने भी हमारे पॉसिबल पॉइंट होंगे वो हम सब पूरे उस पॉसिबल सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, ठीक। और फिर हम उसको जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट होंगे हमारे, वो निकाल करके हम उसमें अपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद ढेर सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, उसमें कई मतलब कि कई अल्टरनेटिव आ जाएंगे, उसमें से हमें एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा और हम उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक। तो अब मैं इसी चीज को थोड़ा यहां पर बता रहा हूं। देखिए आपके पास है 1x1 + 2x2, ठीक। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 1x1 + ये x1 आपके पास जो बाद वाला है ये सफिक्स में है थोड़ा, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1x1 + 2x2 दे दिया हुआ ना, और <ln>=40 ये दिया हुआ है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इक्वलिटी में, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 + 2x2 और =40, ये आ जाएगा, ठीक। ये हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बार हम फर्स्ट एंड लेट x1 = 0, लेट x1 = 0, तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हमारे पास x1 = 0 है तो x2 क्या आ जाएगा? यहां पर मैंने x1 0 रखा तो x2 आ जाएगा कितना? 20। तो x2 = 20, ठीक है ना। आप यहां पर वैल्यू रख के देखिए, x1 + 2x2 = 40 है तो x1 = 0, तो x2 = 20। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 0, 20, ठीक। दोबारा में फिर अगेन करिए, अगेन लेट x2 = 0, x2 = 0,
आपके पास एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा कोऑर्डिनेट वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा 40,0। ठीक है ना, ये 40,0, ये आपके पास दो पॉइंट आ गए। ठीक है ना, एक बार आपने अज्यूम किया कि एक्स वन इक्वल टू जीरो तो एक्स टू इक्वल टू 20, और एक बार एक्स टू आपने जीरो लिया तो आपके पास एक्स वन इक्वल टू 40। अब आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट हैं, तो दो कोऑर्डिनेट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो किसका इक्वेशन हो जाएगा, इस इक्वेशन की लाइन हो जाएगी, 1x1 + 2x2 <= 40 की लाइन हो जाएगी। तो देखिए मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये देखिए, पहला जीरो तो एक्स टू इक्वल टू 20, तो देखिए एक्स टू इक्वल टू 20 आपका ये रहा, ठीक है ना। दोबारा में जब लिया तो एक्स वन जीरो और एक्स टू जीरो और एक्स वन 40, तो देखिए 40 का ये बना दिया। तो 20 और 40 दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये देखिए एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये किस इक्वेशन की लाइन हो गई, x1 + 2x2 = 40 की, या इसी को आप लेस देन इक्वल टू 40 बोलिए। ठीक, तो ये आपकी पहले कॉन्स्टेंट की लाइन बन गई। सिमिलरली अब आपको दूसरे कॉन्स्टेंट की लाइन भी ऐसे ही ड्रॉ करनी है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ लाइन फॉर सेकेंड। अब देखिए जो आपका सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 4x, यहां पर x1 होगा, 4x1 + 3x2 <= 120, 4x1 + 3x2, और हमें मैं यहां पर सीधा जो है चलिए लिख ही देते हैं, <= 120। ठीक, अब हम अगेन वही, लेट एक्स वन इक्वल टू जीरो, लेट एक्स वन इक्वल टू जीरो, ये वाला जीरो हो गया, तो हमारे पास एक्स टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 120/3, तो इट मीन्स 40। ठीक, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 0, 40। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अगेन, लेट एक्स टू इक्वल टू जीरो, अब हमने एक्स टू इक्वल टू जीरो ले लिया, तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर एक्स टू जीरो रखेंगे तो 4x1 = 120 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30, x1 = 30। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 30,0, यू हैव सेकेंड पॉइंट। ये कब किया है, जब आपने इसको 4x1 + 3x2 और इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, इक्वलिटी में। ठीक, तो आपके पास फिर ये दो पॉइंट आ गए, 0,40 और 30,0। तो हमको अब इस पॉइंट से अगेन क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए 0,40 का पॉइंट कौन सा है, ये रहा, ठीक है ना, और 30,0 का पॉइंट कौन सा रहा, ये वाली लाइन। तो देखिए 4x1 + 3x2 <= 120 की एक ये लाइन बन गई। देखिए देखिए जो ये लाइन है x1 + 2x2 <= 40 की है, और जो ये लाइन है वो 4x1 + 3x2 <= 120 की है। अब हम दोनों लाइन को बना देते हैं, मैं यहां पर अलग अलग बता रहा हूं, आप एक ही ग्राफ में ये सारा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर दोनों लाइन को मिला रहा हूं, देखिए ये मैंने दोनों लाइन को एक साथ एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक, जब ये मैंने ड्रॉ किया तो अब हमें क्या देखना है कि जो दोनों लाइन से अंदर का रीजन, जो आपके पास ये लगे हैं लेस देन इक्वल टू, इसको थोड़ा और ऐसे समझिएगा, जब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, जब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी तो हमारे पास ये था x1 + 2x2 <= 40,
तो मतलब कि इस लाइन से अंदर का रीजन चाहिए हमें, इस लाइन से अंदर का रीजन चाहिए। तो देखिए हमने ये यहां पर इस लाइन से अंदर के रीजन को हमने पूरा ब्लू कर दिया, ठीक है ना, हमने इसको ब्लू कर दिया। इसी तरह से जब हमने दूसरी लाइन खींची तो ये क्या था, 4x1 + 3x2 < 120। तो इस लाइन से अंदर का रीजन चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू जो सिंबल लगा है इसका मतलब इस लाइन के हमेशा अंदर ही रहना है। अगर यही सिंबल पलट जाता, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, तो फिर ये बाहर का रीजन होता, राइट साइड का। अभी क्या है, ये लेफ्ट साइड का रीजन है, ठीक। तो हमने देखी लेफ्ट साइड के पूरे रीजन को हमने ब्लू कलर से ये डार्क कर दिया, ठीक। अब जब हम दोनों को मिला रहे हैं, अब हम जब दोनों को मिला रहे हैं तो जो दोनों से बाउंडेड रीजन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। इस ये 20 वाले पॉइंट से लेकर के ये जितना ये ब्लू सर्कल दिख रहा, ब्लू एरिया, ये आपका ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो अब हमें इस कॉमन फीजिबल रीजन, जो ये कहलाता है हमारा फीजिबल रीजन, तो अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लेने हैं, अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लेने हैं। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो ये 20 वाला है, एक ये है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये 30 वाले पर है, और एक 0,0 तो रहेगा ही रहेगा वो सब में, ठीक। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो 0,0 ये रहेगा ही रहेगा। तो 0,0 तो वैसे ही सब पूरा जीरो कर देगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वैसे लेते नहीं हैं, ठीक। तो अब हमारे पास ये पॉइंट आ गए, एक ये 20 वाला पॉइंट, एक ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, और एक ये 30 वाला पॉइंट। यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट है एस, एक है टी, एक है आर। अब हमें क्या करना है कि ये सारे पॉइंट निकाल देने हैं। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कौन सा, ये तो हमें पता ही है, ये कौन सा है, 0,20 का। हमारे पास एक पॉइंट है 0,20 का, ठीक। दूसरा पॉइंट हमें पास ये वाला भी पता है, 30,0 का, ये भी पता है हमें पास, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पर ही है सीधा, तो 30,0 ये दूसरा पॉइंट है। अब ये तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है, जो तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है वो हम कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, और ये फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में मेजर करना पड़ेगा। आप स्केल से मेजर करके लिख सकते हैं, लेकिन स्केल से मेजर करने में कभी कभी क्या होता है कि आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, हो सकता है 0.1 मिलीमीटर के या कुछ फर्क पड़ जाए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए तरीका बता रहे हैं, वो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, मेजर करके भी लिख सकते हैं और हमारे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो टू लाइन का इंटरसेक्शन है। तो जब कभी भी टू लाइन इंटरसेक्शन होती है तो हम अगर दो लीनियर लाइन को हम उनको सॉल्व करवा दें, हम उनको सॉल्व कर दें, और उससे जो x1 और x2 की वैल्यू आएगी वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। क्योंकि जो दो स्ट्रेट लाइनें होती हैं, जो दो सीधी लाइनें होती हैं, वो कहीं भी केवल एक ही जगह पर काटती हैं, दो जगह पर नहीं काटती। अगर दो जगह पर काटेंगे तो फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं जरा, हमारे पास है x1 + 2x2 = 40, और सेकंड इक्वेशन है 4x1 + 3x2 = 120। ये हमारे पास इक्वेशन है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए नीचे चूंकि है यहाँ पर 4x1, ऊपर है x1, यहाँ पर 3x2, यहाँ पर 2x2, तो हम अगर ऊपर वाले में 4x1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मैं ऊपर वाले में 4x1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x1 + 8x2 + 8x2 = 120।
फोर को मल्टीप्लाई किया है, तो 40 × 4 = 160। मैं चाहें तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन 1। हम इसको मान लेते हैं 1, ठीक, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। ये हो गए इक्वेशन 1 और 2। अब हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन रख देते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x1 + 3x2 = 120। अब देखें, हम जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें से नीचे वाले को घटा देते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें से नीचे वाले को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 4x1 + 8x2 = 160 है। अब जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4x1, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 4x1 और माइनस का 4x1, ये पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 8x2 + 3x2, तो अब ये माइनस का हो चुका है घटाने पर, तो 8x2 - 3x2, तो कितना बचेगा, 8x2 में से 3x2 चले गए, 5x2, 5x2 = ये तो पूरा खत्म हो चुका था 160, ये प्लस का था लेकिन घटाने पर माइनस हो गया, तो 160 - 120 कितना आएगा आपके पास, 40, ये आ गया 40, ठीक है ना। तो हमारे पास 5x2 = आ गया 40, तो x2 = कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, x2 की। अब हम इस x2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लीजिए हमने पहले इक्वेशन में रख दिया, तो पहले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 + अब देखिए यहाँ पर 2x2 है, तो x2 की जगह हम क्या रखेंगे, 8, और 2 का मल्टीप्लाई है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 16 = 40, ठीक। तो अब हम इससे निकालेंगे किसकी, x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 = 40 - 16, ठीक है ना, x1 = 40 - 16, तो घटा दीजिए कितना बचेगा, = 24। ये आ गई आपके पास x1 की वैल्यू। तो आपके पास जो x1 बराबर है, जो अगला पॉइंट आ गया है इंटरसेक्शन का, वो है 24, 8। ये रहा 24, 8। अब अगर आप यहां पर देखें तो एक आइडिया लगाएं, तो देखिए ये 30 से थोड़ा यहां पर आ रहा है, ठीक है ना, सीधाई में इसकी स्टेट में देखिए, और ये जहां पर R पॉइंट आ रहा है ना, ये सीधी वाली लाइन, ये लाइन ये है और ये वाली लाइन ये है, तो ये आपका 24, 8 आ रहा है, ठीक। तो अब आपके पास कितने सॉल्यूशन हो गए, देखिए ये एरिया बन रहा है, अब आपको जो पॉइंट्स हैं वो रखने हैं, ठीक है ना। देखिए पहले वाले में क्या था, 0, 20, ये पहला पॉइंट था, ठीक, हमने पास ये बनाए थे। अब देखें ये हमने सारे के सारे हटा दिए हैं, केवल उस बाउंडेड रीजन को रखा है जो केवल कॉमन है, हमारे पास केवल वो बाउंडेड रीजन है जो केवल कॉमन है। अब देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम जरा केवल जो हमारी वैल्यूज निकली हैं उसको रख करके देखते हैं। पहली वैल्यू क्या थी, 0, 20 की, x1 = 0 और x2 = 20, यहाँ पर देखिए हमने निकाला था ना ये 0, 20 का, ठीक है ना। तो 0, 20 जब रखेंगे हम किसमें, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या था, वही 40x1 + 50x2, तो जब हम उसमें 0, 20 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जेड की 1000 की, हमारे पास वैल्यू आएगी 1000 की, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई है हमारे पास 1000। दूसरा पॉइंट है,
हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था वो बी पॉइंट है, कितना है, एक्स वन बराबर 24 और एक्स टू बराबर 8। तो जब हम एक्स वन बराबर 24 और एक्स टू बराबर 8 रखेंगे इस 40x1 प्लस 50x2 में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 1360 जेड की वैल्यू, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास जो तीसरा पॉइंट था कौन सा था, 30,0, तो जब हम 30,0 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 जेड की वैल्यू आएगी, 1200। अब देखिए हमारे पास तीन कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, वी हैव थ्री कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। हम या तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या इस वाले ऑप्शन को, या इस वाले ऑप्शन को, ए बी सी तीन सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। तीन सॉल्यूशन में से हम किसी एक को सेलेक्ट करना है, लेकिन चूंकि हमारा फंक्शन किसका था, मैक्सिमाइजेशन का, हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का था, तो इस वजह से अब हम देखेंगे कि हमारा जेड मैक्सिमम किस में हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है, दैट इज बी, जिसमें जेड की वैल्यू आ रही है 1360, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 24 और एक्स टू इक्वल टू 8 वाला, तो हमारे पास ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अब यही अगर मिनिमाइजेशन का केस होता है तो मिनिमाइजेशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना, वो फिर हम जो है नेक्स्ट उसमें बताएंगे। तो अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। समवन हैज एनी क्वेरी? सर नो क्वेरी। ओके अमित, अर्चिता, हिमांशी, इसिता, कुछ पूछना है? नो सर, ऑल क्लियर। ओके निष्ठा, सागर, आपको भी समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके यस सर। अगर प्रॉब्लम हो कभी तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आप इसके सवाल को सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।